बैक टू माई चैनल होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। स्वागत है आप सभी को मेरा एक और नया व्लॉग में। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का एक प्यारा सा जगह जो कि है ढीक, और उसमें बना हुआ ढीक पैलेस। तो अगर आप यहाँ जाने के लिए सोच रहे हो तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और इस वीडियो में आपको ढीक पैलेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ढीक, और अभी है हम लोग ये ढीक पैलेस में। कुछ इस तरह से गेट मस्त लग रहा है यार, और वेदर भी अच्छा हो रहा है अभी ना, इतना गर्मी नहीं है अभी, मस्त है एकदम। मतलब तो जैकेट पहन के घूम सकते हैं हम लोग, बढ़िया। तो आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ का जो चार्जेस है, एंट्री चार्जेस है, वो है 20 रुपये पर पर्सन अगर आप ऑनलाइन करते हो, और ऑफलाइन करते हो तो आपको पड़ेगा 25 रुपये। और अगर आप कैमरा है आपके पास तो कितना, 25 रुपये कैमरा का। तो हमारा स्टिल कैमरा, वीडियो अलाउड नहीं है जो हमारे पास, तो फोटो वाला कैमरा अपने सर के पास, तो उसका देना पड़ेगा 25 रुपये। ठीक है, आएंगे तो बढ़िया बढ़िया फोटो पे खींचेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस पैलेस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने एक गाइड कर लिया। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार, जलमहल डी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन गाइड। अच्छा, ये जो पैलेस है जाट शासक महाराज सूरजमल ने बनवाया था। समर में महाराज यहाँ रहते थे और विंटर में भरतपुर लिया करते थे। इसमें ज़्यादातर भवनों के नाम कृष्ण भगवान के नाम पे रखे हुए हैं। अच्छा। ये एक्चुअल में ब्रज 84 परिक्रमा मार्ग में आता है, और इसमें एक मंदिर है जो हनुमान जी का है, जो कि हकीक स्टोन से बना है। हकीक एक स्टोन होता है नीला मुगम पोकरा, जैसे अपन लोग अंगूठियों में नग पहनते हैं, उस तरीके के सिंगल स्टोन में इस प्रतिमा को तराशा गया है। ये जो पहले से ऐसे फाउंटेनों के लिए फेमस है, ऐसे ऐसे इसमें लगभग 2000 फाउंटेन्स हैं जो आज की डेट में भी बिना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के चलाए जाते हैं, वो भी साल में 2 बार, वो भी कलरफुल। अच्छा, ये जो पहले से 45 एकड़ में, सामने जो आप देख रहे हो महाराज का फ्रूट गार्डन है, वो 14 एकड़ में। इस बिल्डिंग का जो सारा स्टोन आप देख रहे हो, इसे सैंड स्टोन के नाम से जाना जाता है, बलुआ पत्थर। ये बंसी पारपुर का है, अगर इसे पानी मिलता रहेगा तो इसमें जान बनती रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग जाता है, इसलिए इसका एक मंदिर हमेशा पानी में डूबा रहता है। अभी जैसे कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, वो इसी बंसी पारपुर सैंड स्टोन से बनने जा रहा है। ये जो आप देख रहे हो, इस सागर का नाम है गोपाल सागर, और बिल्डिंग के उस तरफ जो है उसका नाम है रूप सागर, जिसका जो पानी का कनेक्शन है वो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड सप्लाई होता है। कभी ये सागर फुल हो जाता है तो पानी बिल्डिंगों के नीचे से होकर रूप सागर में जाने लग जाता है, और रूप सागर फुल हो जाता है तो पानी फोर्ट की तरफ जाने लग जाता है। लोग इसको जल महलों की नगरी दीप के नाम से जानते तो हैं, पर इसको समर पैलेस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये महाराज की सेकंड राजधानी हुआ करती थी, समर में यहाँ और विंटर में भरतपुर। तो ये है सावन भवन। सावन का जब मंथ आता था तो सावन में यहाँ बैठ के बारिशों का लुत्फ उठाया करते थे। एंड दिस गोपाल भवन, इसे हम बैक साइड से देखते हैं तो 4 फ्लोर नज़र आता है, लेफ्ट और राइट साइड से 2 फ्लोर नज़र आता है, और फ्रंट से देखते हैं तो 1 फ्लोर नज़र आता है। ये इस गोपाल भवन की खासियत है। लास्ट शासक रहे थे महाराजा बिजन सिंह 1929, जिन्होंने बेल्जियम से डिग्री प्राप्त किया था। पहले इन मेहराबों में पर्दे हुआ करते थे, उन्होंने बेल्जियम से डिग्री प्राप्त करने के बाद, इंडिया में आने के बाद, ये सारा चेंजेस उन्होंने करवाया था, और फिर इनमें पर्दे हटा के ये सारी विंडोज जो हैं उन्होंने लगवाई थी। ये उनके टाइम का गीजर हुआ करता था बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के। इस मिट्टी में कोयले जला दिए जाते थे, देश धुआं पाए से होके छत से होके ऊपर निकल जाया करता था, और इस टंकी में भाप बन के, एक उनके वॉशरूम में लोहे की टंकी सेट है, वहाँ जाके वो भाप पानी को ठंडा गर्म करने का काम किया करते। ये जो है नूरजहाँ का झूला हुआ करता था।
अच्छा, ये नूरजहाँ को फौरन से गिफ्ट में मिला था जब मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। हाँ। तब महाराज जवाहर सिंह इसको 1768 में दिल्ली मुगलों से जीत कर लेके आए थे। अच्छा अच्छा, इस पे जो लेख लिखे हुए हैं ये अरबी भाषा में है, 1631 के लेख है। इस पे किसी शासक का नाम दिए बिना ही 4 वर्षों के शासन लेख के उल्लेख लिखे हुए हैं। अच्छा। यानी कि तब ये वहाँ रहा होगा तो समथिंग इसको 4 ईयर्स वहाँ हो गए होंगे। पूरा जो है संगमरमर का, इसको वहाँ से डिसमेंटल करके इसको यहाँ असेंबल कर दिया था। ओके। भैया फिर ये फाउंटेन कब चलता है? कब कब? एक भादो के माह में और एक फरवरी के माह में। और ये लास्ट शासक रहे थे महाराजा बिजन सिंह 1929। इनके जो बेटे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, तो उनके उपलक्ष्य में 10 अक्टूबर को चलाए जाते हैं। अभी 10 अक्टूबर को चलेगा। तो दिन भर चलते रहेगा? नहीं, शाम को 2 घंटे का शो होता है। अच्छा अच्छा, तो आपने बने बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं ये? सही है। वहाँ से लाके उन्हीं नंबरों से इसको यहाँ असेंबल कर दिया। इसमें सीमेंट चूने का यूज जितना नहीं है, जितना अष्ट मटेरियल्स की जो कील देते हो आप, ये कील जो है अष्ट मटेरियल की है, इसी से इसको असेंबल करती है। मतलब अष्ट मटेरियल मतलब भैया? अष्ट धातु। वो क्या होता है? जैसे तांबा, लोहा। अच्छा 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 अच्छा, सारा मिक्सर। तो सारे ये मिक्सर किसके हैं? ये सब ये तांबा मिक्सर के बना। और इनको जो आप शैलियाँ देख रहे हो आप, इनको पित्रा डिंगा शैली के नाम से जाना जाता है। लोग आज इन्हें लिबर्टी के नाम से जानते हैं। इनकी स्टार्टिंग रोम से हुई थी। 1600 में ये आर्ट इंडिया में आया था। ऐसा आर्ट आपको आगरा रेड फोर्ट और ताजमहल पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, ये जो सामने देख रहे हो आप बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट 1722 में महाराज बदन सिंह ने बनाया था। ये पहले इस महाराज ने अपनी दासियों के लिए दे दिया था। दासियों का जो भी फंक्शन हुआ करता था वो यहाँ अरेंज किया करती थी। अभी इस पार्ट का नाम हरदेव भवन है और इस मदरसे का नाम सूरज भवन रख दिया गया। इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक छत पे जो ये सारी दीवार देख रहे हो, छत पे ओपन में वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें 6 लाख गैलन पानी आता है। अच्छा, 6 लाख? 6 लाख गैलन। और उनकी दीवारों में ऐसे हॉल्स हो रखे हैं जो सामने हो रखे हैं ना, ये वाला। एक हॉल्स के नीचे 3 हॉल्स हो रहे हैं जो प्रेशर हाई और लो का काम करते हैं। पानी भरने से पहले इन हॉल्स को एक बुड़न की डांट होती है, उस डांट पे सूती कपड़ा लपेट कर इनको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद तब इसमें पानी भरा करते थे। पहले इतने संसाधन थे नहीं, तो पहले पानी एनिमल द्वारा भरा करते थे, वैट यानी कि चेस्ट सिस्टम बोलते हैं। अभी वाटर वगैरह सप्लाई देता है। उस टाइम इसको बनने में 1.5 महीने 1.5 महीने लगता था। अभी वाटर वगैरह सप्लाई देता है, मिनिमम 5-6 दिन चाहिए होते हैं तब जाके कम्प्लीटली भर पाता है। पानी भरने के बाद सूती कपड़े को पीसीज बाई पीसीज काट के रंग की पोटली तैयार कर लेते हैं। और पोटली तैयार करने के साथ इसमें 15-20 लोगों को एक साथ स्विमिंग के लिए उतारा जाता है। और जैसे कि उनसे कहा जाता है कि झूले के सामने वाला फील्ड चलाइए, तो 400 हॉल्सों में से वहाँ इनका नंबर होता है 37, 38, 39। तो वो लोग स्विमिंग करके उन्हीं नंबर के लॉकेट को निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा। एक बंदा उन्हें रंग की पोटली देने का कार्य करता है और वो पोटली को हॉल्स के 1 फुट अंदर ऐसे स्विमिंग करते हुए रंग की पोटली को मत्ता रहता है। नीचे ये जो है कलर फाउंटेन चलते रहते हैं और ऊपर से इनका कलर चेंज होता रहता है। फाउंटेनों का बेस्ट पानी ऐसे नालियों में होके गार्डन और क्यारियों में चला जाता था। जैसे लोग अभी सीवर लाइन बनाते हैं, ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी, पहले से सीवर लाइन बना के रखे हुए। ये जो है किशन भवन, महाराज का कॉन्फ्रेंस हॉल, दीवानी खास पर्सनल मीटिंग जो है यहाँ अरेंज किया करते थे। और इसके अंदर भी जो सारा फर्नीचर है वो अखरोट की लकड़ी से निर्मित है। और इसमें 2 बाघिन के बच्चे दिखाए गए हैं जो 1764 में बंद बारहठा की रून से उनका शिकार किया था। इसमें एक मैनुअल डजेटर ऑपरेटर कूलर रखा हुआ है बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के। इसको 2 लोग साइडों से चलाई करते थे। 2 लोग साइडों में खसखस की परफ्यूम छिड़क के जाली लगा दिया करते थे, तब जाके ये जो है खुशबूदार हवा दिया करता था। 13 पीढ़ियों ने इसमें शासन किया है। 13 पीढ़ियों की इसमें अंदर फोटो लगे हुए। ये
ये दीवाने आम, ये जो स्टेज देख रहे हैं आप दीवाने आम, यहाँ इस स्टेज पे महाराज साहब की चेयर लग जाया करती थी, इन हुक्कों में टेंट बन जाया करते थे, आम लोगों की सुनवाई जो है यहाँ से किया करते थे, दीवाने खास दीवाने आम। आप देख रहे हो कमल बुर्ज, इसकी कमल को सेप दी हुई है, जैसे कमल जो होता है उसकी सेप दी हुई है, ये सैंड स्टोन में बना हुआ है। सामने जो आप देख रहे हो ये इसी बिल्डिंग का पार्ट है, पहले इसमें घुड़सवार तहखाने जेलें हुआ करती थी। जब महाराज साहब सामने इस बरामदे में बैठा करते थे तब उसी वाटर टैंक से पानी का प्रेशर छोड़ा जाता था, प्रेशर से वो जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराती थी और टकराने के बाद इन पिलरों में से ऐसी आवाज़ें निकलती थी कि ऐसे जानो कि सावन भादो में बादल गड़गड़ाने की आवाज़ें इन पिलरों में से आती थी। और इस शाम टैंक का बस क्या था, इनसे चारों तरफ कलर पर्दे बन जाए करते थे। एक्चुअल में किसी को ये नहीं पता होती थी कि महाराज साहब के साथ में अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, ये उनके मिलने जुलने की जगह हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम केशव भवन बारादरी रखा हुआ है। सामने जो आपने देखा होगा ये नंद भवन महाराज का रेसलिंग हॉल, इसमें रेसलिंग किया करते थे, साथ साथ पहलवानों को तैयार किया करते थे। इसकी जो छत है वो वुडन की छत है और इसमें जो बॉल्स लगी हुई हैं उन्हें रिफ्लेक्टर बॉल्स कहा जाता है, इन्हें महाराज बिजन सिंह बेल्जियम से लेके आए थे, बेल्जियम के गिलास है जो, और ये बहुत फेमस हुआ करते हैं, पहले चिमनियाँ हुआ करती थी मिसाल, उनको ऐसे इन पिलरों वाइज पिलरों पर टांग दिया जाता था, जब उनका हॉक्स उन बॉल्सों पर पड़ता था तो येलो कलर के वो येलो कलर की तरह चमकने लगती थी, रेड कलर के वो रेड कलर की तरह चमकने लगते थे। और इसमें अंदर आपने झरोके देखे होंगे जो कि सैंड स्टोन में मार्बल के झरोके से, उस जो ये झरोके हैं उन्हें दिल्ली से जीता हुआ था, जो कि मुगल आर्किटेक्चर है वो आपको अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल है, सैलो और डीप, वहाँ सैलो यहाँ डीप, और ये यहाँ से पानी भरने का रास्ता हुआ करता था और नीचे नाली है वहाँ से पानी निकाल के गार्डन और क्यारियों में चला जाता। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है टाइमिंग्स, ये पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला होता है और बस फ्राइडे को ये बंद रहता है। एक चीज़ और जो अपना गाइड भैया थे इनका नंबर मैंने डाल दिया नीचे, तो अगर आपको इनके हेल्प लेना है तो आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब, और मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।